अगली खबर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल के बैन की बात स्पष्ट है, ये लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति जो संस्था नफरत या सामाजिक विवाद पैदा करे उस पर सख्त कार्रवाई करे, तो इसमें पूछने की क्या बात है। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं जो अपने यहाँ इस प्रकार की चीजों में सम्मिलित है। आम जनता भी चाहती है कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ रविवार को सिवनी जिले के उड़ेपानी पहुंचे, यहां सुबह 10:30 बजे पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस कार्यालय में जो तोड़फोड़ की घटना हुई है मैं उसकी निंदा करता हूं। इसके बाद कांग्रेस सेक्टर के मंडलम सेक्टर बूथ पदाधिकारी और BLA की बैठक ली। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सभा को संबोधित किया। वर्तमान में जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 में कांग्रेस का कब्जा है। इसमें लखनादौन से योगेंद्र सिंह विधायक है, बरघाट से अर्जुन सिंह ककोडिया विधायक है। सिवनी और केवलारी विधानसभा में दावेदारों को उतारने की स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं जिले में जहां जहां कांग्रेस कमजोर है उन क्षेत्रों को मजबूत करने को लेकर पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देंगे। बताया जाता है कि कांग्रेस की रीत नीति से प्रभावित होकर कमलनाथ के समक्ष कई भाजपाई कांग्रेस की सदस्यता लेने सकते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजकुमार पप्पू खुराना ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आने की अपील की है। सर, ये कर्नाटक के मैनिफेस्टो में जो बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, तो मध्य प्रदेश में भी ये बात कही जाएगी क्या? कर्नाटक के मैनिफेस्टो में बजरंग दल की बैन करने की बात स्पष्ट है, लिखा हुआ जो है। और मैंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां नफरत फैलाई जाए, जो व्यक्ति जो संस्था नफरत या सामाजिक विवाद पैदा करे उसमें सही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसमें पूछने की क्या बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक दफे नहीं 5 दफे कहा है, जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं, हम किसी को टारगेट नहीं करते, जो अपने आप इस प्रकार की चीजों में सम्मिलित है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आम जनता चाहती है उन पर समाज की उन पर सख्त कार्रवाई हो। सर, यही सिवनी है।